नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एलजी का अपमान किया है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उन्हें दिल्ली का एलजी वीके सक्सेना के रूप में नहीं चाहिए, यानी कि उन्होंने दिल्ली एलजी के बदलने की मांग की है, उनके इस्तीफे की मांग की है। इसी के साथ ही उन्होंने दिल्ली एलजी का अपमान करते हुए उन्हें गुंडा तक बता दिया है। बता दें कि दिल्ली के एलजी को लेकर के कई सारे शब्दों का इस्तेमाल इस बार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। जहां पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्हें अनपढ़ बताया था, तो अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लेकर के आम आदमी पार्टी इस तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है, उन्हें गुंडा बताते हुए नजर आ रही है। और साथ ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और इसी के साथ ही रीना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने दिल्ली के एलजी को लेकर के कई तरीके की अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। बता दें कि दिल्ली के एलजी इस वक्त लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और दिल्ली के कई सारे जो मंत्री हैं खासकर आम आदमी पार्टी के, वो इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त बौखलाई नजर आ रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे वो अपने मंत्रियों को बचा सके। चाहे बात हम सत्येंद्र जैन की करें या मनीष सिसोदिया की करें या फिर उनके जो एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान उनकी बात करें, तमाम ऐसे लीडर्स हैं जिनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार वो कोशिश कर रही है और अपनी बौखलाहट जाहिर करते हुए नजर आ रही है। जहां केजरीवाल जो है कई सारे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अनपढ़ बताया। साथ ही उनका कहना ये रहा था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें एजुकेटेड होना चाहिए, वो अनपढ़ है, जिसकी वजह से वो कभी भी किसी भी तरीके का फैसला कर देते हैं, कभी भी वो नोटबंदी कर देते हैं और इस वजह से लोगों को परेशानियां होती है। तो अब दिल्ली के एलजी को लेकर के इस तरीके की बातें बोलते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और रीना गुप्ता नजर आ रही हैं। उनकी माने तो उनका कहना है कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो कोर्ट का पालन नहीं करते, अपने आप को संविधान से ऊपर बताते हैं, गवर्नर से पर बताते हैं, प्रेसिडेंट से नीचे बताते हैं और खासकर उन पर दंगे को लेकर के केस दर्ज है। साथ ही उनका कहना है कि 321 यानी कि चोट पहुंचाने का मामला और इसी के साथ ही धारा 506 यानी कि धमकी देने का केस भी दर्ज है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। वहीं तमाम सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो कि इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की पोल खुल रही है, उनके भ्रष्टाचारों की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, जिसकी वजह से उन्हें अब बौखलाहट हो रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे उनके तमाम मंत्रियों की लिस्ट खुलती जा रही है, तमाम मंत्रियों के पोल खुलते जा रहे हैं और एक के बाद एक तमाम लोग लगातार जेल के अंदर जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि अब आने वाले समय में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल पर भी जांच एजेंसियों का शिकंजा कस सकता है और वो जेल जा सकते हैं। इस वजह से इस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी दिल्ली के एलजी को लेकर के और देश के प्रधानमंत्री को लेकर के इनके द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि रीना गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है, वो कहती है कि अहमदाबाद में एक गुंडा था मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए, अब 20 साल के काम पर इन्हें महामहिम बना करके दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर संगीन धाराएं लगी हैं, जिनमें से धारा 441 यानी कि दंगे करना, 321 यानी कि चोट पहुंचाना और 506 धमकी देना। इसलिए दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली के जो एलजी हैं वो वीके सक्सेना हैं। साथ ही संजय सिंह, उनका कहना है कि देश की महिलाएं और करोड़ों लोग यही सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी ने बहुत ही शर्मनाक कृत्य किया है, जो उन्होंने साबरमती आश्रम में महिला सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला करने वाले व्यक्ति को दिल्ली का एलजी बनाया है। मोदी जी एलजी को हटाएं और कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल होने को कहें।
इसी के साथ ही तमाम तरीके के रिएक्शन लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है और उनका कहना है कि कैसे दिल्ली के एलजी जो कि 20 साल पहले गुंडे थे और उन्होंने लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया है, जिसके बाद उन्हें ये इनाम मिला है और उन्हें महामहिम बना करके दिल्ली भेज दिया गया ताकि दिल्ली जाए और वहाँ पर इस तरीके से अपना काम करें। लेकिन दिल्ली में जो है वो क्राइम रेटिंग लगातार बढ़ रही है और इस चीज़ का ठिकरा अब दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना पर फोड़ते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है इस वक्त ट्विटर पर। लोगों का कहना है कि अगर दिल्ली के अंदर अच्छा काम होता है तो उसका क्रेडिट फटाक से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लेते हुए नजर आते हैं, भले ही वो योजना जो है वो दिल्ली एलजी की बदौलत हो या फिर केंद्र सरकार की बदौलत हो, लेकिन जो क्रेडिट है वो सीधे तौर पर लेने के लिए फ्रंट पे आम आदमी पार्टी नजर आती है, अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं, चाहे फिर वो बसों का मामला हो, सड़कों का मामला हो। लेकिन जैसे ही खामियां दिल्ली के व्यवस्था को लेकर के सामने आती है तो इसका ठिकरा या तो दिल्ली के एलजी पर फोड़ दिया जाता है या तो केंद्र सरकार पर फोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं जिसकी वजह से ये नाकामी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर क्राइम बढ़ता है या फिर किसी भी चीज को लेकर के जो दिल्ली की समस्या है जो कि कहीं ना कहीं एक सीएम की जिम्मेदारी बनती है, इसका ठीकरा जो है वो दिल्ली के एलजी पर फोड़ते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ जाती है। बता दें कि इस वक्त दिल्ली के एलजी जो है वो लगातार एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर जितने भी 6-7 सालों में भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी परत दर परत पोल खुलती हुई नजर आ रही है और दिल्ली के एलजी ने कई सारे आदेश दिए हैं जांच एजेंसियों को, जिनमें से शराब घोटाला मामला सामने आया, कैसे जल बोर्ड में घोटाला हुआ ये मामला सामने आया, वफ बोर्ड को लेकर के कैसे घोटाले हुए हैं, उनकी नियुक्तियों को लेकर के कितने सारे घोटाले हुए हैं, इन तमाम चीजों की लिस्ट जो है वो खंगालती हुई जांच एजेंसियां नजर आ रही है और ऐसे में दिल्ली के बड़े बड़े मंत्री इस वक्त जेल में है। हवाला केस की अगर बात करें तो दिल्ली के मंत्री 2022 से ही सत्येंद्र जैन जो है दिल्ली की जेल में है। हाल ही की बात करें तो मनीष सिसोदिया जिनके ऊपर नई आबकारी नीति को लेकर के अनियमितताएं और इसी के साथ ही घोटाले के मामले में वो इस वक्त जेल में है, जहां सीबीआई अपनी कार्रवाई शराब घोटाले को लेकर के कर रही थी तो वहीं ईडी की भी इसमें एंट्री हो चुकी है और ईडी भी इस मामले को लेकर के अपनी जांच कर रही है। वहीं वफ बोर्ड मामले को लेकर के कहें बात तो उनके जो विधायक है अमानतुल्ला खान, उन पर भी कार्रवाई हो रही है और कई तरीके की वफ बोर्ड के अंदर प्रॉपर्टी और इसी के साथ ही कैसे जो नियुक्तियां की गई हैं उनमें खामियां भी पाई गई है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद यानी कि ताहिर हुसैन, उन पर भी 2020 में दिल्ली दंगों को भड़काने का आरोप लगा है और इस वक्त भी उनको कैसे दोषी करार दिया गया है कोर्ट के द्वारा ये भी सभी ने देखा है। यानी कि आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनकी लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है जो कि भ्रष्ट चार में लिप्त है या फिर इस तरीके की संगीन धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज है। ऐसे में इसके बावजूद संजय सिंह और अतिशी वार्लेना और इसी के साथ ही सौरभ भरद्वाज समेत तमाम नेताओं का ये कहना है कि अगर कल को इनके ऊपर केस कोई दर्ज हो जाता है तो उस पर आश्चर्य ना करें, उस पर यकीन ना करें, क्योंकि ये केस झूठे हैं और इस तरीके के कई सारे आरोप उन पर हमेशा लगते रहेंगे। ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार प्रधानमंत्री से लेकर के दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।